मुंबई की आधुनिकता और इन बड़ी इमारतों के बीच छुपे हैं कुछ ऐतिहासिक किले जो शहर के इतिहास के गवाह हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मुंबई में एक समय लगभग 10 किले हुआ करते थे। आज भी इनमें से कई किलों के अवशेष शहर में देखे जा सकते हैं। इनमें से एक है सायन किला या शिव किला। भले ही आज ये किला शहर की भागदौड़ के बीच कहीं गुमसा हो, मगर एक समय में इसका बहुत महत्व था। माना जाता है कि सायन किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने करवाया था और अपने स्थान के कारण ये एक महत्वपूर्ण किला था। एक समय में मुंबई 7 द्वीपों का एक समूह हुआ करता था। बॉम्बे के ये द्वीप 2 कस्बों में विभाजित थे, बॉम्बे और माहिम। सायन माहिम, परेल और वारेला या वडाला के साथ माहिम कस्बे का एक हिस्सा था। सायन बॉम्बे के द्वीपों का सबसे उत्तरी हिस्सा था और सालसेट द्वीपों की सीमा पर था। इसकी वजह से इसका नाम शिव पड़ा, जिसका अर्थ होता है सीमा, क्योंकि ये स्थान बॉम्बे और सालसेट द्वीपों की सीमा पर था। अपने रणनीतिक स्थान के कारण ये कई मध्ययुगीन और उसके बाद के युग में यात्रा वृत्तांतों और संस्मरणों में प्रमुखता से चित्रित हुआ। 16वीं शताब्दी में जब बॉम्बे पुर्तगालियों को दे दिया गया था, तब सायन भी उन्हीं के नियंत्रण में आ गया था। उन्होंने यहाँ एक चर्च भी बनवाया। सायन अपनी कोली समुदायों के कस्बों या कोलीवाड़ा और सॉल्ट पैंस या नमक के इलाकों के लिए प्रसिद्ध रहा है। 17वीं शताब्दी में एक दिलचस्प घटना में बॉम्बे के द्वीप अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। इन 7 द्वीपों को 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया गया, जब उनकी शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगंजा से हुई थी। उसके बाद से सायन भी अंग्रेजों के शासन में आ गया। ऐसा माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में ही यहाँ एक किले का निर्माण हुआ। कुछ दस्तावेजों के अनुसार सायन किले का निर्माण का श्रेय आमतौर पर बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर जेराल्ड ऑंगियर को दिया जाता है, जिन्होंने एक छोटी पहाड़ी पर इस किले का निर्माण 1669 और 1677 के बीच करवाया था। इसका निर्माण दक्षिण में ब्रिटिश क्षेत्र और उत्तर में पुर्तगाली क्षेत्र के बीच की सीमाओं को चिन्हित करने के लिए किया गया था। किला एक प्रहरी दुर्ग की तरह था, जो माहिम क्रीक से गुजरने वाले व्यापार मार्ग की सुरक्षा करता था। अपनी स्थिति के कारण ये किला अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण गढ़ था। ऊंची पहाड़ी पर बने होने के कारण यहाँ से दूर तक के क्षेत्र पर नजर भी रखी जा सकती थी। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि इस किले का निर्माण पुर्तगालियों के लिए मराठा ठेकेदारों द्वारा एक समुद्री गढ़ के रूप में किया गया था, जहां से वो सालसेट के मार्ग पर ध्यान रख सके। अंग्रेजों के कब्जे के बाद किले को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। कुछ का ये भी कहना है कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने एक पुराने गढ़ पर ही पुनः निर्माण किया था और उसे और बड़ा बनाया था। हालांकि प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार इस किले का निर्माण का श्रेय अंग्रेजों को ही दिया जाता है। आज यहाँ दीवारों और सीढ़ियों के अलावा तोप और पहरे वाले मीनार या वॉच टावर देखे जा सकते हैं। तोप की मौजूदगी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीते समय में ये किला कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। आज किले के परिसर में एक सुंदर पार्क पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्यान है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुंबई ऑफिस भी यहीं पर स्थित है। किले से मुंबई शहर का एक मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ स्थानीय लोग थोड़ा समय बिताने या बचे अवशेषों को देखने आते हैं। सायन किला मुंबई शहर के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी दर्शाती है।